बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 11 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और ये वो विधानसभा सीटें हैं जहां जाट आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव माना जाता था। इन्हीं विधानसभा सीटों पर मुस्लिम, दलित और अन्य पिछले वर्ग के मतदाता भी काफी बड़ी संख्या में हैं। अगर बात करें हार्टलैंड की तो जाट इस क्षेत्र में काफी व्यापक प्रभाव रखते हैं, जहां शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मथुरा और आगरा ये ऐसे जिले हैं जो जाट बहुल जिले माने जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर जाट किसी जिले में है तो वो है मथुरा, उसके बाद है आगरा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन विधानसभा सीटों पर जाट बहुत बड़ी संख्या में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं, जिसको देखते हुए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने गठबंधन किया है। इस गठबंधन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी रणनीतियों में व्यापक परिवर्तन किया है। अभी बीते दिनों ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ जाट नेताओं को अपने यहाँ बुलाया और उनसे बातचीत की। तो ऐसा माना जा रहा है कि जाट जो हैं वो एक बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जाटों का एक बड़ा तबका जो किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ था वो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के साथ जा सकता है। अगर हम इस क्षेत्र के मुस्लिम मतदाताओं की बात करते हैं तो मुस्लिम इस बार पूरी तरह से एकजुट दिखाई दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के पक्ष में। अगर दलितों की बात करते हैं तो दलित यहाँ 17% हैं, जिसमें से गैर जाटों की बात करें तो वो सारा का सारा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के पास है और जाटव जो हैं वो परंपरागत वोट हैं बहुजन समाज पार्टी के। इसी क्षेत्र में ओबीसी मतदाता भी बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, जिनमें सैनी, गुजर और लोध राजपूत हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन विधानसभा सीटों में अगर बात करें पिछले चुनावों की तो पिछले चुनावों में जबरदस्त ध्रुवीकरण देखा गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ। इस बार भी मुझे लगता है कि मुस्लिम जो है और वो समाजवादी पार्टी की तरफ है और जो दलित हैं उसमें से एक तबका जिन्हें जाटव कहते हैं वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ है और दलितों का जो अन्य तबका है वो सारा का सारा माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास में है कि किसी भी तरह से पिछली विधानसभा सीटों का जो रिकॉर्ड रहा है वही रिकॉर्ड इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर से कायम हो। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी व्यापक तौर पर अपनी रणनीतियों में बदलाव कर रही है। योगी आदित्यनाथ बराबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन विधानसभा सीटों का दौरा कर रहे हैं, वो अपने रूठे हुए मतदाताओं को मना रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जाट बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि जाटों की नाराजगी इस वजह से भी देखी जा रही है कि राष्ट्रीय लोकदल ने जाट बहुल सीटों पर जाटों को टिकट न देकर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। ये जो नाराजगी है ये जाटों के अंदर है, इसी नाराजगी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर इन विधानसभा सीटों की बात करें तो जहां तक मेरा आकलन है भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराने में सफल रहेगी। वहीं कुछ हद तक भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है उन क्षेत्रों में जो मुस्लिम प्रभावित क्षेत्र माने जाते हैं, वहां राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो मुस्लिमों का ध्रुवीकरण देखा जा रहा है उसका लाभ उन्हें कुछ प्रतिशत तक मिल सकता है। लेकिन अगर जाटों की और किसान आंदोलन की बात करें तो बहुत हद तक किसान आंदोलन और जाटों का आक्रोश इन विधानसभा सीटों पर मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई नहीं दे रहा।